गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन एट होम. स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. इन दिस चैप्टर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. System software, application software and meaning of software. इन सारी चीजों का जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे. सबसे पहले कुछ जो वर्ड मीनिंग है इसका देख लेते हैं. यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार. नेक्स्ट पार्टिकुलर, डेट मीन्स खास. सिमिलरली मतलब उसी प्रकार. नेक्स्ट कंट्रोल, दैट मीन्स नियंत्रण. नेक्स्ट विदाउट मतलब के बिना. नेक्स्ट है आपका ऑपरेट मतलब कोई चीज ऑपरेट करना, चालू करना. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन द सॉफ्टवेयर. कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो है आपका एक जो सेट होता है, प्रोग्रामों का एक समूह होता है, सेट होता है, जिसके माध्यम से आपका जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट होता है, चालू होता है. कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर. और जो आपका कंप्यूटर है वो वर्क करता है उसी सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सॉफ्टवेयर इनेबल्स द हार्डवेयर पार्ट टू वर्क. सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच और सीन. कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ही आपका हार्डवेयर वर्क करता है, कैच करता है. और सॉफ्टवेयर को आप ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी आपको बताए थे. फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फोन इज अ हार्डवेयर बट द SMS फीचर ऑफ द फोन इज सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि जो आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका हार्डवेयर है और उसमें जो SMS फीचर्स है वो आपका सॉफ्टवेयर है. क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन उसमें जितने सारे जो फीचर्स है, SMS है, फीचर्स है, सेटिंग्स है, गेम्स है, बहुत सारे जो फीचर्स हैं, वो सारी चीजों को आप देख नहीं सकते हैं. यू कैन टच द म्यूजिक सिस्टम स्पीकर एंड द CD और कैसेट. सो म्यूजिक सिस्टम, CD और कैसेट आर हार्डवेयर. कह रहा है कि जो आप म्यूजिक सिस्टम को, CD कैसेट या VCD कैसेट, DVD कैसेट को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी तरह से तो ये सारे क्या चीज हैं, हार्डवेयर्स हैं. लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको आप छू नहीं सकते हैं. बट टू प्ले द सॉन्ग यू रन द सॉन्ग इन अ प्लेयर, मीडिया प्लेयर, यू कैन नॉट टच दिस प्लेयर, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. कह रहा है कि लेकिन आप जो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मीडिया प्लेयर जो बजाते हैं, मीडिया प्लेयर में आप देखे होंगे कि इस तरह के आपका सिंबल बना हुआ रहता है और इसको हम प्ले करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्ले. फिर आगे आपका इस तरह से नेक्स्ट रहता है, फिर बैकवर्ड रहता है आपका. तो सॉन्ग इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, दबाते हैं तो आपका जो सॉन्ग है पीछे की ओर चला जाता है, और इस पर क्लिक करते हैं तो आगे. फिर इसमें आपका इक्वलाइजर और वॉल्यूम रहता है, इस तरह से वॉल्यूम रहता है. तो इस तरह से ये सब क्या, इन सब आपका एक तरह के प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया हुआ, एक तरह का आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पे हम दबाएंगे तो आपका प्ले हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पॉज हो जाता है. तो ये सब प्रोग्राम को ही मिला करके जो तैयार होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. और ये पूरा जो हो गया आपका, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, ये एक तरह का क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है. जैसे कि आपको बुक में
देख सकते हैं, ये विंडोज मीडिया प्लेयर का आपका विंडोज दिखाया गया है, तो ये आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह जो सॉफ्टवेयर है उसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जानेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, अ कोड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि जो एक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो किसी खास वर्क के लिए बनाया जाता है, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए जो बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, कोई खास कार्य को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इन ऑर्डर टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन वी यूज कैलकुलेटर प्रोग्राम इन एन अ कंप्यूटर। कह रहा है कि हम लोग जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे चीज करते हैं, तो वो पार्टिकुलर वर्क पर, जैसे हम जो कैलकुलेटर में टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आप लेटर्स नहीं लिख सकते, सिर्फ उसमें अर्थमेटिकल जो है से कि कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। या एग्जांपल के तौर पर हम पेंट ले लें, पेंट, तो पेंट प्रोग्राम हम लोग क्या बनाते हैं, ओनली फॉर उसमें ड्राइंग बनाते हैं, सिर्फ ड्राइंग कर सकते हैं उसमें कलरफुल, लेकिन उसमें लेटर्स नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो वर्ड पैड है उसमें केवल नोट्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें सॉन्ग या वीडियोस नहीं देख सकते हैं। तो ये सब जितने सारे जो प्रोग्राम्स है सॉफ्टवेयर, वो किसी खास वर्क के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सिमिलरली वी यूज द पेंट एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, कैलकुलेटर एंड पेंट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है उसी तरह से ड्राइंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से आपका कैलकुलेटर और पेंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के आपका सॉफ्टवेयर होता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स का आपका उससे कार्य परफॉर्म कराया जाता है। जैसे आपके बुक में एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये आपका है पेंट यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर। ये पेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर ड्राइंग कर सकते हैं। इस तरफ आपका दिखाया गया है वर्ड पैड, ये आपका वर्ड पैड का विंडोज है, तो इसमें हम ओनली फिर क्या कोई आपका नोट्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका विंडोज मीडिया प्लेयर यूज फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या आप जो सिंपल से एग्जांपल ले लें, आपका जो मोबाइल फोन है, तो ये जो आपका जो मोबाइल फोन है ये आपका हार्डवेयर है, इसमें जो आपका एंड्रॉयड है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और इसमें जितने सारे आपको गेम खेलना है तो आपको गेम इंस्टॉल करना पड़ता है, इंटरनेट यूज करना है तो गूगल क्रोम इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से, या आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर, इसमें जितने सारे जो प्ले स्टोर से जितने सारे जो आप एप्स स्टोर एप्लीकेशन जो है कि इंस्टॉल करते हैं, तो वही एप्स को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही, एप्लीकेशन को ही हम लोग ऐप के नाम से जानते हैं, वही है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल एक सेट ऑफ एक्टिविटीज कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। विंडोज 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऊपर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन करते हैं। तो कह रहा कि जो एप्लीकेशन
सॉरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके बिना कंप्यूटर आपका कार्य नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो विंडोज 7 है, विंडोज 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आप देख सकते हैं, ये विंडोज 7 का आपका स्क्रीन है यहाँ पे, ये आपका विंडोज XP है, ये विंडोज 8 है और ये विंडोज 10 है। तो ये सारे के सारे आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सारा लेटेस्ट वर्जन है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जस्ट लाइक अ कार रिक्वायर्स अ ड्राइवर टू रन अ द कार, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि जिस तरह से कार को चलाने के लिए आपका ड्राइवर की आवश्यकता होता है, उसी तरह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होता है, जिसके माध्यम से वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिसपे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनेक्स, एमएस डॉस एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि आपको जो विंडोज है, लाइनेक्स है, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सारे के सारे आपको क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज लाइक अ मैन विदाउट अ ब्रेन। कह रहा है कि जो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका जो कंप्यूटर है उस आदमी के समान है। किस आदमी के समान? विदाउट अ ब्रेन यानी बिना दिमाग वाला आदमी के समान है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के लिए कितना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अगर आप कंप्यूटर घर में खरीदे होंगे तो आप देखेंगे उसके लिए आप सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं। उसके बाद जो इस तरह की आप जो चीज सीखना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हो, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर डलाते हैं। जैसे आपका जो आपका एडोब फोटोशॉप है, अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप डलवाते हैं। आप लेटर एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो हम उसमें एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर डालते हैं। या हमको सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स है जैसे VLC प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, उस तरह का सॉफ्टवेयर डालते हैं। या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस तरह का आपका सॉफ्टवेयर उसमें सारा डलाया जाता है। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें जो कुछ आंसर क्वेश्चन आंसर है या MCQs है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डैश। ऑप्शन है आपका सॉफ्ट बोन्स, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्राम। विच वन ऑफ दीज इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि कौन सा है जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज सर्वर, विंडोज XP। तो इसमें आपका जो लेटेस्ट है विंडोज 7 है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट थिंग्स यू सी द डैश प्रोग्राम, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड। कह रहा है कि आपको अगर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, गणना करना है तो किस तरह का प्रोग्राम यूज करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। 4 नंबर है आपका, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में आपका पेंट, प्रोग्राम, वर्ड पैड, विंडोज 7, कैलकुलेटर। तो आपका ये पेंट, प्रोग्राम, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, ये सब आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका विंडोज 7 जो है कि आपका क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी ऑप्शन विंडोज 7 सही हो जाएगा। बाकी जो आपका टिक द करेक्ट है, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर सब आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें मेंशन करेगा, आप उसको नोट कर लेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।